हेलो जी हेलो। आज मैंने बनाए हैं सांभर वड़े वाले वड़े। इसमें ना मैंने इनो डाला है, ना सोडा डाला है, ना बेकिंग पाउडर डाला है। क्या हम हर चीज को उसी इनो सूजी से ही बनाते रहेंगे? तो चलिए आज की ये वीडियो देखिए। मैंने देखिए इसमें कितना क्रिस्पी है। मैं आपको आवाज भी सुना रही हूँ वीडियो में, बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल सही मस्त टेक्सचर बना है। और इनको सांभर में डबो डबो के खाने से पहले चलिए इस विधि को जान तो लें। होगा जरूर चैनल पर आपका एक बारी फिर से बहुत स्वागत है। इन वड़ों को बनाने के लिए मैंने लिए हैं मुरमुरे। ये पफ्ड राइस बोलते हैं क्या आप इनको, जैसे कभी कभी दिवाली पर बच जाते हैं। बस सिर्फ दो कटोरी लेनी है। इससे जो है 6 वड़े बहुत अच्छे से बन गए थे, उस हिसाब से आप क्वांटिटी ज्यादा कर लीजिए। 2 कटोरी लेने के बाद अब इनको सॉफ्ट करने के लिए हमें इनको भिगोना है पानी में। पानी थोड़ा सा डाल दीजिए और 5-7 मिनट, बस टोटल 10 मिनट समझ लीजिए, इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, भीग जाए। 10 मिनट के बाद क्या करना है, इसको आपको छालनी से छान लेना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूं, ये नरम हो गए हैं। अब इनको एक छालनी में छान लीजिए और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर आपको इसमें लग रहा है वो दबा दबा कर निकाल दीजिए। बड़ी आसानी से ऊपर ऊपर जो पानी इसमें होगा वो निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से दबा दीजिए हल्का हल्का, फिर थोड़ा सा छालनी में दबा देंगे तो जितना भी पानी है निकल जाएगा। अब एक हमने खुला सा बाउल लेना है और उसमें इस मुरमुरों को, भीगे हुए को डालकर अब आपको हाथों से इनको थोड़ा मसल लेना है। इस तरीके से आप हाथों से मसलेंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। 2-3 मिनट इनको मसल लीजिए। ये हो गए तैयार। अब इसमें डाल दीजिए मसाले, जैसे कि जीरा डाल दो 1/2 चम्मच, काली मिर्च डाल दो 1/2 चम्मच, नमक भी मैंने 1/2 चम्मच डाला है, मुझे काफी लग रहा है। और उसके बाद इसमें अदरक काटकर, हरी मिर्च काटकर डाल दो, हींग भी छिड़क दी मैंने, ऐसे नमक मिर्च मसाले, और फिर धनिया पत्ती डाल दो धोकर, बहुत अच्छी लगती है इसमें। फिर अब इसमें डलेगा चावल का आटा, राइस फ्लोर, वो मैंने यहाँ 3 चम्मच डाले हैं, वो सफिशियंट है। और दही लिया है वो भी 3 चम्मच डाले हैं, वो भी काफी रहेगा। ये एग्जैक्ट अमाउंट है जिससे कि हमने ये बैटर बनाना है, ये घोल बनाना है। अब लीजिए जी इनको हाथों से मिक्स कर दीजिए। बहुत आसानी से इतने ही मिश्रण में, इतनी ही चीजों, ये सारा हिल मिल जाएगा और मिक्स हो जाएगा बहुत आसानी से। 2-3 मिनट में ये सारा देखिए आपस में जुड़ जाएगा, मिल जाएगा। इसको मिला जुला कर आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए रखना है ढककर, ज्यादा नहीं रखना। उतनी देर में हम फ्राई पैन लेंगे या कोई सीधे तले वाली हम कोई भी कढ़ाही लेंगे, तवी बोलते हैं जिसको, उसमें इन वड़ों को बनाएंगे। तो सीधे तवे वाली कोई भी बर्तन लेकर, जैसे कि मैंने फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। उसको स्मोकिंग लेवल तक, धुआं आने तक गर्म जरूर करेंगे, जैसा कि सरसों के तेल का प्रोसेस रहता है। और उसके बाद आंच धीमी कर देंगे। इनको वड़ों को हमें मीडियम आंच पर तलना है। तो अब क्या है कि हो गए 5 मिनट, रेस्ट कर लिया हमारे मिक्सचर ने, तो हाथ पे थोड़ा सा रिफाइंड या तेल लगाया और वड़ों का थोड़ा सा जो है मिश्रण हमने हाथ में ले लिया। सेमी सॉफ्ट सा मिक्सचर है, बहुत हार्ड तो है ही नहीं और बहुत लुक लुक करके ढीला भी नहीं है, बहुत आसानी से बन रहा है, कोई हाथ पे चिपक नहीं रहा है। और इस तरीके से इसको गोल करके थोड़ा चपेतला कर लिया और उंगली से इसमें छेद कर लिया ताकि वड़े की एग्जैक्ट जो शेप है वो आ जाए, ना ये फटे, ना इसको बनने में कोई दिक्कत हो, ना हमें दाल भिगोनी पड़े, है ना बिल्कुल इजी। और बनने के बाद जो रिजल्ट और जो वड़े बनेंगे वो तो बहुत ही शानदार बने। लीजिए इसके सारे बैटर के आप बना लीजिए, बहुत फटाफट फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। एक तरफ मैंने तेल भी गर्म रख दिया है, वो भी बिल्कुल तैयार है। कई बारी तो हम सोचते हैं जब इनो की कंपनी ने इनो बनाई होगी एसिडिटी वगैरह के लिए, पेट वगैरह को ठीक करने के लिए, तो क्या कभी उन्होंने सोचा होगा कि हम लोग केक्स बनाने में, चीजों को बनाने में इनो का यूज करेंगे। चलिए आज तो हमने इनो को बख्श दिया, उसको यूज नहीं किया। तो ये मीडियम आंच पर जो तेल हमारा गर्म हो गया है उसमें हम वड़ों को डाल देंगे। पहले मैं 2 वड़े डालकर और उसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, बाकी के फिर अगली बारी डाल देंगे। तो लीजिए इसको जो है आपको अलट पलट कर बिल्कुल साधारण तरीके से तल लेना है, ना ये फटते हैं ना ही इनका कोई दिक्कत आती है इनको तलने में।
और ये 7-8 मिनट में बहुत आसानी से तलकर बिल्कुल क्रिस्पी करारे रेडी हो जाते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में इसको तलने के बाद खोलकर इसका अंदर का टेक्सचर भी दिखाऊंगी। मैंने सांबर पहले से रेडी किया हुआ है, सांबर की अगर आप विधि देखना चाहते हैं तो होगा जरूर, चैनल पर डिटेल्ड वीडियो पहले से ही अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां आप देख लीजिए। सांबर की विधि मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर ये बिल्कुल क्रिस्पी करारे गोल्डन और ऐसा सुनहरी रंग जब आ जाए तब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप इसको प्लेट में अलग निकाल लीजिए। ये देखिए कितना सुंदर इन पे कलर आ गया है। क्योंकि सही बड़ों का यही होता है कि ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी हो, ये देखिए तोड़ने पर अंदर से बिल्कुल नरम, क्योंकि ये जब सांबर में डुबकी लगाएंगे तो सांबर का फ्लेवर इसमें अंदर जाना चाहिए, उसके लिए अंदर से नरम होना भी जरूरी है और घुल ना जाए सांबर में, इसलिए बाहर से इनकी क्रिस्पी जो है बाउंड्री भी जरूरी है। तो यहाँ देखिए सांबर जो है जायकेदार खट्टा खट्टा सांबर पहले से ही तैयार किया हुआ है। तो आज का तो ये लंच शानदार होने वाला है। आप जानते हैं इस रेसिपी को बनाने पर मुझे 10 में से 15 नंबर मिले अपने हस्बैंड से। मेरी फैमिली को ये बहुत टेस्टी लगी रेसिपी और बहुत टेस्टी, वाकई बहुत टेस्टी बना था। लीजिए मैंने सांबर में भी इसकी डुबकी लगा दी बड़े की और अब इसको सांबर में 2 सेकेंड के बाद तोड़कर भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए बिल्कुल आराम से आसानी से ये टूट रहे हैं और सांभर का उसमें पूरा फ्लेवर आ रहा है। तो अगर हमें कभी इंस्टेंट इच्छा हो रही है और हम नहीं बहुत रात भर दाल भिगोकर और फिर उसका वड़ा नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से वड़ों को जरूर ट्राई करें। बहुत सही और आपको पता ही लग रहा होगा कितने सही तरीके से इसको टूटे और मेरे से तो बिल्कुल सबर नहीं हो रहा, मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ। बहुत शानदार इसका टेस्ट बना है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। आपके जो भी कमेंट्स हैं, अगर आपकी कोई कंप्लेंट है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इन वीडियोस को, जो वड़े को बहुत इंस्टेंट बनाना चाहते हैं रेसिपी, झटपट वड़ा और बिना इनो वगैरह के, कई बार नहीं कोई डालना चाहता इनो सोडा, उनको ये रेसिपी ज़रूर बताएं। और ये देखिए 4 बड़े और बन गए थे, उनको भी मैं फटाफट फ्राई कर देने वाली हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो होगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। ऐसी न्यू वीडियो के लिए होगा जरूर चैनल से जुड़े रहें। मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।